उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हमने गाजियाबाद के नंदग्राम में गृहिणी से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि उनका रसोई का बजट किस तरह से चल रहा है, क्या वो अपने रसोई के बजट से खुश हैं या फिर ना खुश हैं, और इस बार वो किस सरकार को बनता हुआ देखना चाहती हैं। आप भी देखिए क्या कहना है गाजियाबाद की महिलाओं का। जय हिंद, मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कौन सीएम की कुर्सी इस बार संभालने वाला है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम गाजियाबाद में पहुंचे हैं और गाजियाबाद के एक इलाके में पहुंचे हैं जहां पर कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये गाजियाबाद का कृष्णा कुंज है और इन महिलाओं से हम जानना चाहेंगे कि इस बार वो किसको सीएम देखना चाहती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर की जाए उत्तर प्रदेश में, अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिला सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो महिला सुरक्षा को लेकर की जाती हैं। खासकर अगर पुलिस फोर्स की बात की जाए तो महिला स्कॉट भी बनाई गई थी और उसका काम यही था जो महिला और लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं उन सबको पकड़ना और जेल पहुंचाना। शुरुआत करते हैं यहाँ महिलाओं से। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? रेखा जैन। रेखा जी, आपको क्या लगता है कि कौन इस बार सरकार बनाएगा? योगी जी। अच्छा, क्यों बनाएंगे? योगी जी अच्छे काम करते हैं, सबकी सुरक्षा करते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव नहीं करते हैं? नहीं, योगी जी करते। अखिलेश यादव नहीं करते हैं? अच्छा, वो भी करते हैं जी। तो उनके नाम पे हंस क्यों रहे हैं? नहीं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब सबकी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे रसोई का बजट कैसा चल रहा है आपका? रसोई का बजट थोड़ा बिगड़ा है, लेकिन उसी हिसाब से इनकम भी बढ़ी है। कोरोना समय था, उस समय में बीमारी थी, बहुत सारी चीजें बंद हुई, बहुत सारी चीजें चली। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि इनकम कम हो गई है, नौकरियां नहीं, आप कह रहे हैं बढ़ी है? नहीं, कम हुई है उसी हिसाब से मोदी जी ने जैसे कि बहुत सारे इन्वेस्ट के तरीके निकाले हैं, बहुत सारे रोजगार के तरीके निकाले हैं उस हिसाब से। अच्छा, एक दो हमें बता दीजिए क्या क्या रोजगार के तरीके थे। रोजगार के तरीके जैसे मजदूरों के लिए उन्होंने बहुत सब सपोर्ट किया है। अच्छा, कि क्या क्या है सपोर्ट तो आपने कहा, लेकिन क्या किस तरह? मोदी जी ने अनाज वगैरह फ्री बंटवाया, राशन, रसोई भी, गैस भी पहुंचवाई है उस समय में, कोरोना समय में तो रोजगार बंद हुए। गैस के तो पैसे देने पड़ते थे और जो पहले सब्सिडी मिलती थी वो भी बंद हो गई है। वो अभी बंद हुई है, तो मोदी जी इतना सब कोरोना के समय से नहीं मिल रही है। मिल रही थी कोरोना के समय में, फ्री मिली है लोगों को। लोग परेशान है कि नहीं मिली है? हमारे इधर तो मिली है। चलिए और इनसे पूछ लेते हैं, आपको मिली है सब्सिडी? हाँ जी भैया, सब्सिडी तो अभी बंद हो गई है, पर बाकी सब अच्छा चल रहा है। मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आप बताइए आपको कितनी सब्सिडी मिली थी? जितनी आती है ही तो मुझे नहीं, फिर भी कोई अमाउंट होगा? 200 रुपये। हाँ, वही मिलते थे। अच्छा, मिलते थे, आप नहीं मिल रहे हैं। हाँ। चलिए आपसे जानना चाहेंगे, चलिए पहले आपसे पूछते हैं कि पहला आपका रसोई का बजट अगर बात की जाए 5 साल पहले और अब कितना चेंज आ गया है? चेंज आया है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन मोदी जी के या योगी जी के हाथ में तो नहीं है महंगाई। वो किसानों ने आंदोलन कर रखा है, सब्जियां उस वजह से पीछे से नहीं आ रही है, महंगी हो रही है, वही रसोई का बजट बिगाड़ रही है। अच्छा, चलिए इनका कहना है कि किसान आंदोलन की वजह से सब्जियां नहीं आ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको कि किसान आंदोलन की वजह से सब्जियां नहीं पहुंची हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब खत्म हो जाएगा तो सब्जी वगैरह भी सब आ जाएंगी किसान। अच्छा, देखिए सब्जी की बात की है, वहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठेली पर सब्जी आ रही हैं। चलिए अब आपसे देखिए, आपने कहा सब्जियाँ बंद है, देख लीजिए। आपसे जानना चाहेंगे कि रसोई के बजट की अगर बात की जाए, क्योंकि आपको पूरा घर देखना होता है, बचत भी करनी होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो क्या आप कर पा रहे हैं आराम से? अब तो थोड़ा नहीं हो पा रहा इतना, क्योंकि महंगाई भी इतनी है, तो इतना बजट नहीं हो, वो बचत नहीं हो पा रही है इतनी, क्योंकि महंगाई। अच्छा, क्या लगता है इस बार कौन मुख्यमंत्री बनने चाहिए? अखिलेश। अखिलेश क्यों? अच्छी सरकार है उनकी, अच्छा काम करते हैं वो भी। अच्छा, बीजेपी सरकार तो कहती है उन्होंने कुछ काम नहीं किया, अखिलेश सरकार कहती है कि हमने जो काम किया उसका फीता काट रहे हैं। ऐसे तो सभी कहते हैं एक दूसरे के लिए। अच्छा, कोई ऐसे थोड़ी है कि नहीं कहेंगे कि हम अच्छे हैं। अच्छा, अगर अखिलेश यादव अपनी सरकार बना लेते हैं तो क्या क्या चाहेंगे कि कौन सा एक वो काम ऐसा करें जिससे महिलाओं का उत्थान हो या महंगाई कम हो? सबसे पहले तो एक ही गैस सिलेंडर कम कर दें, ये सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अच्छा, वो तो केंद्र के हाथ में है, तो ये सब भी वो करेंगे तभी तो, केंद्र के हाथ में तो है लेकिन वो करेंगे जब भी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए महिलाओं से तो जो उनका कहना है, उनका यही कहना है कि रसोई का बजट तो बिगड़ा है लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ही इस बार मुख्यमंत्री बनने चाहिए। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।